अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो में हम आप लोगों को स्विचर के कनेक्शन का कंप्लीट तरीका बताएंगे, तो देखते रहिए हमारे साथ। ये मेरे पास इस वक्त दो स्विच मौजूद हैं, एक टू वे और एक थ्री वे। इनके कनेक्शन का कम्प्लीट तरीका अभी आप लोगों को हम लोग करके दिखाएंगे। ये इस वक्त मेरे पास थ्री गैंग स्विच है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके जो कॉमन वायर होती है उसको लूप करेंगे तीनों स्विच के अंदर। ये है कॉमन वायर, इधर से ये इधर आएगी, इधर से ये फिर इधर, ठीक है। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये लूप हो चुकी है इधर से यहाँ पर, फिर इधर से इस तरफ यहाँ पर। अभी एक यहाँ से हम मेन सप्लाई इसको देंगे, ये सर्कल होके इस स्विच में आएगा, फिर इधर से इधर चला जाएगा। इधर से हम दूसरे स्विच में भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा अभी हमें एक मिनट, ये देखें, अभी एक लाइन का वायर इसमें लगेगा, जो लाइट का भी हो सकता है, फ़ैन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ लगाना चाहते हैं इसमें। एक इसमें लगेगा, दूसरा इसमें लगेगा और तीसरा इसमें लगेगा। इसी तरह ये टू वे स्विच है, इसको भी हम लोग आपको इसके भी कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। इससे भी दो कॉमन के उसने दिए हुए हैं पॉइंट, ठीक है। ये दो कॉमन के पॉइंट हैं कॉमन, ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है एल कॉमन एल कॉमन। ये कॉमन के पॉइंट हैं, इसमें कॉमन के वायर लगेंगी और उसको लूप ही लूप किया जाएगा जो मेन करंट होगा। और इधर लाइट के पॉइंट और फैन का पॉइंट कुछ भी हो सकता है आप लगा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, ताकि मेरे वो भाई जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो आसानी से मेरी बात को समझ सकें। अभी मैं लूपिंग के लिए एक वायर बनाऊँ, ये वाली, इसको इसके अंदर लगाएंगे। अब एक तरफ से मैंने इसको छोड़ दिया है, इसमें मेन करंट की वायर लगेगी, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने ये कॉमन वायर लगा दी है, ये मेन करंट है, ठीक है। इधर से भी कॉमन वायर के ज़रिए ये दूसरे स्विच में हो जाएगा, फिर इधर से ये अगले बॉक्स में, ये करंट की वायर है, ठीक है। अभी मेरे पास ये दो लाइट के पॉइंट हैं जो मैं इधर नीचे लगाऊंगा इस जगह पे। जी दोस्तों, ये टू वे स्विच है मेरे पास, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेन करंट का वायर है, ठीक है।
मेन ग्राउंड इसमें जाएगा, फिर कॉमन वायर के जरिए ये दूसरे स्विच में जाएगा, फिर इधर से ये अगले बॉक्स में चला जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मेरे पास ये दो लाइन थी, एक लाइट के दो पॉइंट है मेरे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैंने ये नीचे लगा दिए हैं। ये देखें, लाइन वन में मैंने लगाया। एक मिनट में थोड़ा सा वाजिया करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये लाइन वन में, ये दूसरा लाइन वन में, और ये कॉमन वायर में। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ये हमारा एक स्विच जो कि रेडी हो चुका है। इस वाले में कुछ मुख्तलिफ है थोड़ा सा। इसमें हमारे पास ये दो लाइट का वायर, ठीक है। अभी हमारे पास ये एक मेन करंट का वायर हो गया जो कि इस बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास एक फैन का वायर है, यहाँ पर रेगुलेटर लगेगा, वो भी मैं आपको लगा के उसके कनेक्शन करके पूरा दिखाऊंगा। और ये फैन का वायर हो गया, ये दो लाइट का, और ये एक मेन करंट। ये पूरा का पूरा वायर ये ऊपर से आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा वायर ऊपर से आ रहा है, और ये ऊपर एक जंक्शन बॉक्स, ठीक है। और वहाँ से ये पूरा वायर वो सामने डीबी में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर छत के ज़रिए पूरा वायर ऊपर से आएगा मेन करंट, और ये बाकी ऊपर दो लाइट लगाया है, एक पंखा और दो लाइट, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए, चार लाइट भी मांग लेते हैं, तो कुछ लोगों को दो लाइट और एक पंखा, ये दो डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी मैं आपको थ्री वे स्विच लगा के दिखाता हूँ जी। अभी मैंने इसमें अभी मेन वायर लगा दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन वायर आ चुकी है इधर से, और ये पूरा लूपिंग का सिस्टम पूरा रेडी है मेरा, ठीक है। अभी सिर्फ मुझे तीन वायर लगानी है, जिसमें से दो लाइट की और एक फ़ैन की है। उसके मैं अभी कनेक्शन करके आपको बहुत दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों, ये मेरे स्विच रेडी हो चुके हैं। इसमें तीन पॉइंट हैं, एक लाइट का, दो लाइट के और एक फ़ैन का। इसमें दो पॉइंट हैं दोनों लाइट के, ठीक है। ये रेडी हो चुके हैं। अभी ये पीछे ये दो वायर मैंने रेडी किए हैं, इसमें से एक मेन करंट का वायर है और दूसरा जो कि फ़ैन का वायर आएगा, ठीक है। अभी मैं इसके साथ आपको, ये रेगुलेटर है, थोड़ा इधर लिखा हुआ है, हिटाची कंपनी का है ये जी दोस्तों। और ये रेडी हो चुके हैं, ठीक है। फ़ैन के कनेक्शन भी इसमें हो चुके हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और ये लाइट के भी। इसी तरह ये भी टू वे और थ्री वे है, इसी तरह फोर वे भी होता है, तो वो भी सेम है, इसी के सेम हर चीज़ इसके ऊपर मेंशन की होती है। ये तो फ़िलहाल कोई लोकल कंपनी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मिलानो और टेनबी के स्विच इस्तेमाल होते हैं। ये इसी स्विच है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन अभी भी आपको लोगों को बता देता हूँ। इसमें दो सर्किट होते हैं, एक मेन सप्लाई और एक एसी का जो आउटर वायर होता है वो वाला। मेन सप्लाई नीचे लाइन इन में लगती है, ये देखें लाइन इन, जूम करके दिखाता हूँ, लाइन इन। मेन सप्लाई लाइन इन में लगेगी, और एसी का आउटर वायर लाइन आउट में लगेगा, ठीक है। और ये अर्थ के लिए उन लोगों ने अलग से पॉइंट बनाए हुए थे। बहुत आसान है, जिस मेरे भाई को कुछ भी मुश्किल हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।